गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अनुसार एवं लवण। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब, पीएच स्केल का मतलब होता है कि एक स्केल है जिस पे कुछ मान लिखे होते हैं 0 से 14 तक, उसमें कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं और हर वैल्यू कोई ना कोई अम्ल की क्षमता के बारे में बताती है और ये बताती है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी। उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो विलयन उदासीन होता है, 7 से कम वाले सारे अम्लीय विलयन होते हैं, 7 से अधिक वाले क्षारीय विलयन होते हैं, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक सूचक क्या होता है और पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सार्वत्रिक सूचक, देखो जो सूचक हम प्रयोग करते आए हैं अभी तक, जो हमने वीडियो में पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ा है, सूचक जो सारक और अम्लों के बारे में सूचना देते हैं, मतलब जैसे लिटमस होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस, जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो सारक होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो वो जो सूचक होते हैं जैसे लिटमस है, वो सिर्फ हमें ये सूचना देते हैं कि यह विलयन अम्ल है कि क्षारक है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि दिया गया विलयन अगर अम्ल है तो ये इसकी क्षमता कितनी है, मतलब ये प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है। अब जो सूचक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक, ये सार्वत्रिक सूचक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सूचक का प्रयोग हम किसी भी पदार्थ की पीएच की जानकारी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसको सार्वत्रिक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल का मतलब हर चीज की पीएच, किसी की भी पीएच अगर हमें जाननी है तो हम इस सूचक का प्रयोग कर सकते हैं। और यह सूचक सिर्फ यह नहीं बताएगा कि वो अम्ल है कि क्षारक है, ये भी बताएगा कि वो प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है। क्षारक है तो वो प्रबल क्षारक है कि दुर्बल क्षारक है, ठीक है भाई। तो साधारण सूचक हमें केवल अम्ल या क्षारक के होने की जानकारी प्रदान करता है, उसकी क्षमता के बारे में हमें कुछ नहीं बताता। किसी अम्ल या क्षारक की क्षमता ज्ञात करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक होता है क्या है, देखो सार्वत्रिक सूचक बहुत सारे सूचकों का एक मिश्रण होता है। अब अलग अलग सूचक अलग अलग पीएच के लिए रंग देते हैं, मतलब मान लो किसी की विलयन की 2 पीएच है तो उसमें सूचक अलग रंग देगा, किसी की 3 है तो उसमें सूचक अलग रंग देगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सूचकों का एक मिश्रण हमने तैयार कर लिया जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। और ये सार्वत्रिक सूचक ऐसा सूचक होता है जिसका प्रयोग हम किसी भी विलयन की पीएच ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो सार्वत्रिक सूचक है ये भी 2 रूपों में मिलता है। जैसे लिटमस पत्र प्राप्त, जो लिटमस पत्र था वो भी 2 रूपों में मिलता है, एक वो विलयन के रूप में मिलता है, एक वो पत्र के रूप में मिलता है, मतलब पेपर के रूप में मिलता है। ऐसे ही सार्वत्रिक सूचक भी 2 रूपों में मिलता है, एक उसका विलयन होता है, एक वो पत्र के रूप में होता है। जिस भी विलयन की पीएच निकालनी है या फिर किसी भी चीज की, जैसे मिट्टी की अगर पीएच हम जानना चाहते हैं या दूध की पीएच अगर हम जानना चाहते हैं या पानी की पीएच अगर हम जानना चाहते हैं, हम क्या करेंगे उस सैंपल में से, जैसे मान लो पानी की पीएच हमने जाननी है, घर में जो पानी हम पीते हैं उसकी पीएच हम जानना चाहते हैं कि उसकी पीएच कितनी है, वो पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो हम क्या करेंगे उस पानी में से 5 ml टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और इस सार्वत्रिक सूचक की 2-3 बूंदे उसमें डालेंगे, उसमें ये सार्वत्रिक सूचक कोई ना कोई रंग देगा। अब ये रंग देगा तो जिसने भी ये सार्वत्रिक सूचक बनाया है उसने साथ में एक कलर चार्ट, पीएच कलर चार्ट भी बनाया है, मतलब एक कलर चार्ट बना दिया उसने, एक चार्ट दे दिया रंगों का। उसमें क्या बताया गया है कि भी जिसकी 7 पीएच है उसका रंग ऐसा होगा, इस चार्ट पे रंग बने होते हैं अलग अलग पीएच के हिसाब से। जिसकी पीएच 7 होगी उसमें ये सार्वत्रिक सूचक हरा रंग देगा, मतलब अगर हमने सार्वत्रिक सूचक डाल दिया किसी विलयन में और रंग आ जाए हरा तो समझ जाओ कि उसकी पीएच 7 है, ठीक है। तो एक ऐसा पीएच कलर चार्ट तैयार कर दिया जिस पे
एक पीएच में लाल लाल रंग है, उसके बाद दो पीएच इसकी है तो उसमें थोड़ा लाइट रेड, थोड़ा सा इसे हल्का, उसके बाद तीन पीएच इसकी है वो ऑरेंज रेड हो जाएगा, चार जिसकी पीएच है उसका ऑरेंज कलर आ जाएगा, ऐसे ऐसे कलर बदल जाएंगे। अब क्या करते हैं, सार्वत्रिक सूचक मैंने बता दिया पेपर के रूप में भी विलयन के रूप में, तो जिस भी किसी विलयन की पीएच जाननी है हम पीएच पत्रक लेंगे, सार्वत्रिक सूचक का पत्र ले लेंगे या फिर विलयन वाला सार्वत्रिक सूचक ले लेंगे, विलयन वाले की दो तीन बूंदे उसमें डालेंगे, जैसा रंग आएगा हम उस रंग को, ये जो चार्ट है ये हमारे पास अवेलेबल होता है लैब में होता है, उस रंग को इसके साथ मैच करवाएंगे, इसके ऊपर अलग अलग रंग होते हैं पीएच कलर चार्ट के ऊपर अलग अलग रंग होते हैं, जिसके साथ भी मैच करेगा, मान लो वो इसमें जो ये हरा रंग है, हरे अगर उस टेस्ट ट्यूब में हरा रंग आता है तो हम कह देंगे कि इसकी पीएच 7 है, मान लो उसमें रंग लाल आता है गहरा लाल तो उसकी पीएच होती है 0, अगर सिर्फ लाल आता है तो पीएच होती है 1, अगर हल्का लाल आता है तो 2, अगर ऑरेंज रेड आता है तो 3, ठीक है। मतलब सार्वत्रिक सूचक डाल के उस विलयन में जो रंग आएगा उस रंग को हमने मैच करना है इस कलर चार्ट के साथ, पीएच कलर चार्ट के साथ, जिस भी पीएच वाले रंग के साथ वो मैच करेगा वही उसकी पीएच हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे हमने कोई भी सैंपल है हमारे पास, कोई किसी भी चीज का सैंपल है, चाहे पानी का सैंपल है, चाहे कोई ठोस वस्तु जैसे मिट्टी है, मिट्टी का मिट्टी की पीएच हमें पता करनी है कि भाई मिट्टी जो है वो, जो हम मिट्टी, मान लो आपके गमले में मिट्टी है, हम ये जानना चाहते हैं इसमें पौधा नहीं उग रहा, ये सारी है कि अम्लीय है, तो हम क्या करेंगे 2 ग्राम मिट्टी ले लेंगे, उसको पानी में अच्छे से घोल लेंगे, फिर उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, तो जो वो नीचे पानी निकल के आएगा उस पानी में 2-3 बूंदे सार्वत्रिक सूचक की डाल लो, ठीक है। सार्वत्रिक सूचक की बूंदे डालने के बाद उस विलयन का जो भी रंग आता है उस रंग को इस पीएच कलर चार्ट के साथ मैच करो, जिस भी पीएच वाले रंग के साथ वो मैच करेगा वही उस मिट्टी की पीएच हो जाएगी, और अगर उसकी पीएच 7 से कम वाले के साथ मैच करे तो वो मिट्टी हो जाएगी अम्लीय, अगर वो 7 से ज्यादा वाले के साथ मैच करेगी तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी क्षारीय। इस प्रकार हम अलग अलग विलयनों की पीएच प्राप्त कर सकते हैं, किसके साथ, सार्वत्रिक सूचक के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दो विलयन ए और बी दिए हैं, ए की पीएच 6 है और बी की पीएच 8 है, जैसा कि अब तक इतना तो समझ गए होंगे कि जिस विलयन की पीएच 7 से कम है वो अम्लीय होता है और जिसकी पीएच 7 से अधिक होती है वो क्षारीय होता है, इसका मतलब है इसमें विलयन ए की पीएच 6 है इसका मतलब वो अम्लीय है और बी की पीएच 8 है वो क्षारीय है, तो इसमें पूछ रखा उसने अम्लीय कौन सा है, तो ए जो विलयन है वो अम्लीय है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें अधिक होगी, अब हमें पता है जितनी अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होता है, इसका मतलब है ए विलयन अम्लीय है तो उसी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते आते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, देखो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है, मतलब क्या, जैसे हमारा शरीर है वो भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही काम करता है, मतलब क्या, पीएच प्रास का मतलब मान लो हमारी पीएच ना तो बहुत अधिक कम हो सकती है ना बहुत अधिक ज्यादा हो सकती है, एक पीएच की रेंज होती है जिस रेंज में हमारा शरीर काम कर सकता है, मतलब 7 से 7.8 के बीच ही हमारा शरीर काम कर सकता है, मतलब कम से कम हमारे शरीर में जो पीएच जा सकती है वो 7 हो सकती है और अधिक से अधिक जो हो सकती है वो 7.8 हो सकती है, अगर इसके अलावा अगर पीएच हो जाए तो समझ लो हमारे शरीर में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, मतलब कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, ठीक। अब जो हमारा पाचक तंत्र होता है, पाचक तंत्र मतलब जो भोजन को पचाने में मदद करता है, पाचक तंत्र में हमारी ये जो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, भोजन नली जिसको बोलते हैं, मुंह से शुरू होती है और गुदा तक एनस तक भोजन नली होती है, तो जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में जाएगा भोजन तो
तो उसमें होते हैं जटिल पदार्थ, उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है और इस काम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से आया? हमारे अमाशय की जो दीवारें होते हैं, पेट जो होता है, पेट की दीवारों में कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हमारे अमाशय की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। उस अम्ल की पीएच होती है 1.4। जो अम्ल हमारे अमाशय में निकलता है उसके कारण हमारे अमाशय की पीएच 1.4 के लगभग हो जाती है। इस पीएच का, इतनी कम पीएच, देखो कितना ज्यादा एसिडिक है, अम्लीय कितना है, तो इसका फायदा क्या है हमारे अमाशय में? इसका फायदा ये है, ये काम क्या करता है, हमारे भोजन में जो हम भोजन खाते हैं तो भोजन में हो सकता है कि कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस भोजन के साथ चला जाए, एक तो ये उसको मार देगा, पहला काम। दूसरा काम, जो अम्ल होता है वो उसका स्वभाव तो संक्षारक है, उसका स्वभाव तोड़ने वाला, गलाने वाला, तो जो जटिल पदार्थ होते हैं भोजन में उनको गलाने का काम भी ये अम्ल करता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जब इतनी ज्यादा अम्लीयता हमारे अमाशय में हो जाएगी तो ये हमारे शरीर को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे पेट की जो दीवारें होती है वो तो जल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जहां से ये अम्ल निकलता है वहीं से कोशिकाएं एक दूसरा पदार्थ भी छोड़ती हैं जो म्यूकस बोलते हैं उसको। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो अमाशय की दीवारों पर चिपका रहता है साइडों में, और जब ये अम्ल उससे टकराता है तो वो उसको उदासीन कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो होता है क्षारीय और ये अम्ल होता है, ये तो अम्लीय ही, तो उस चिपचिपे पदार्थ को जिसको म्यूकस बोलते हैं उसके कारण हमारे अमाशय की दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस प्रकार यह हमारे शरीर में सिर्फ मदद करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पहले भी बता चुका हूं मैं, कई बार उल्टा सीधा खा लेते हैं या ज्यादा खा लेते हैं या कोई तला हुआ खा लेते हैं तो अम्ल ज्यादा निकल जाता है उसको पचाने के लिए, तो फिर जिससे खट्टी खट्टी डकार भी आती है या इनडाइजेशन हो जाता है। इनडाइजेशन से क्या हुआ, पेट में दर्द भी हो सकता है या लूज मोशन भी हो सकते हैं, तो अति अम्लता हो जाएगी, खट्टी डकारी तो महसूस भी किया होगा, एसिडिटी बोलते हैं उसको, तो उसको दूर करने के लिए अब अति अम्लता होगी, एसिडिटी होगी या एसिडिटी बढ़ गई, तो आपको पता है एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, हम सारक का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम सारक से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं, देखो अति अम्लता होगी, अति अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग करेंगे प्रति अम्ल, ठीक है। तो वो प्रति अम्ल किससे बना होता है, वो बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में मैं ये बात बता चुका हूँ कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं उसको, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इससे बनता है वो प्रति अम्ल जो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, या फिर मीठा सोडा लेते हैं हम, मीठा सोडा भी क्या होता है, क्षारीय होता है। अब ये दोनों ही क्षारीय है तो ये अंदर जाएंगे तो जो अम्ल पैदा हुआ है उसको उदासीन कर देंगे जिससे हमें आराम मिलेगा, ठीक है भाई। ये तो होगी पाचक तंत्र की बात। दंत कक्षा में पीएच, देखो हम भोजन खाते हैं, भोजन में रोटी भी खाते हैं, रोटी होती है, रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह का ये शुगर है। शुगर मतलब जब ये टूटेगा तो इसमें से ग्लूकोज निकलता है, और शुगर का मतलब देखो ये मीठा है, वैसे लगता नहीं लेकिन वो मीठा ही होता है, या फिर कोई दूसरी मीठी चीज हम खाते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जब हम पचाते हैं, दांतों से हम इस रोटी को पचाएंगे तो मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया इस रोटी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसको अम्ल में बदल देते हैं, जैसे टार्ट्रिक अम्ल वगैरह ऐसे अम्ल में बदल देंगे। क्या बताया मैंने, जैसे हमने रोटी खाई दांतों से तोड़ी तो उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को बैक्टीरिया ने अम्ल में बदल दिया। बैक्टीरिया कहाँ से, बैक्टीरिया मुंह में होते ही हैं, पहले से होते हैं, तो वो बैक्टीरिया उस कार्बोहाइड्रेट को अम्ल में बदल देंगे। जैसे ही अम्ल पैदा होगा मुंह में तो वो अम्ल की पीएच कम कर देगा। हमें पता है जैसे ही अम्ल बनता है तो पीएच कम हो जाती है, अगर पीएच 5.5 से कम हो जाएगी, मुंह की पीएच अगर 5.5 से कम हो जाएगी तो दांत टूटना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अम्ल का प्रभाव तो संक्षारक है,
वो अगर पत्थर पे भी गिरेगा तो पत्थर भी धीरे धीरे बुरबुरा होकर टूटना शुरू कर देगा। हमारे जो दांत होते हैं उसमें हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, सबसे सख्त पदार्थ हमारे दांतों में होता है, जिसको बोलते हैं इनेमल। ठीक है, इनेमल बोलते हैं। तो हमारे दांत इनेमल से बनते हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का। लेकिन ये भी टूट जाता है, किसके कारण? अम्लीयता के कारण। लेकिन 5.5 तक तो ये बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन इससे नीचे अगर पीएच हो जाएगी तो अम्लता बढ़ जाएगी और इनेमल भी टूटना शुरू कर देगा। दांतों के ऊपर अम्ल लगता रहेगा, दांत में गड्ढा हो जाएगा, कैविटी बन जाएगी, जो दांतों में गड्ढे हो जाते हैं काले काले से दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कीड़े ने दांत खा लिए। कीड़ा कुछ नहीं होता, वो होता है क्या, एसिड। एसिड की वजह से दांतों में गड्ढे पड़ जाते हैं, कैविटी हो जाती है, कई बार ब्लैक सा पदार्थ जम जाएगा ऊपर दांत के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर एसिड अपना काम करता रहता है, उसको तोड़ता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, अब मुंह में अम्लीयता बढ़ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, सारी पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, एक तो खाने के बाद या तो ज़्यादा मीठी चीज़ ना खाओ, चॉकलेट वगैरह या टॉफी वगैरह नहीं खानी चाहिए। अगर खा भी ली है तो मुंह को अच्छे से पानी से धो लो, कुल्ला कर लो, या फिर ऐसी पेस्ट का इस्तेमाल करो जो सारी होती है। पेस्ट ज़्यादातर सारी ही होती है। पहली वीडियो में मैंने बताया था पेस्ट की पीएच कितनी होती है, टूथपेस्ट की पीएच होती है 8 लगभग। देखो सारी है, ये क्या करेगी, जब अंदर हम इससे ब्रश करेंगे तो जो अम्लीयता पैदा हुई है मुंह के अंदर वो हो जाएगी उदासीन और दर्द तक सहम से बचा जा सकता है। वैसे आपके लिए बता देता हूँ, जनरली जो सुबह ब्रश करो ना करो, लेकिन रात में ब्रश अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देखो मुंह बंद रहेगा, पूरी रात मुंह बंद रहता है और अंदर कितना टाइम मिलेगा बैक्टीरिया को काम करने के लिए। दिन में तो हम क्या करते हैं, बोलते रहते हैं, तो मुंह में जो फंसे हुए रोटी के टुकड़े वगैरह, पौधे के टुकड़े हैं, वो निकल भी जाते हैं, जीभ चलती रहेगी इधर उधर तो निकल भी जाते हैं। लेकिन रात में हमारा मुंह ज़्यादातर बंद ही रहता है, 7-8 घंटे तक बंद रहेगा, तो उस टाइम दांत ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए रात को ब्रश करके अवश्य सोना चाहिए। ठीक है, दंत कक्षा में पीएच का क्या काम था, मतलब पीएच ने दांतों को कैसे तोड़ा, ये याद रखने के पेपर में आता है कि दंत कक्षा में पीएच कितनी होती है, 5.5 से कम होती है। अब बात आती है पेड़ पौधों तथा जानवरों की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। सभी जानवर और पेड़ पौधे, उनमें पीएच का एक लिमिटेड प्रास होता है। लिमिटेड का मतलब भी एक निश्चित प्रास है, प्रास का मतलब क्या, रेंज। जैसे मनुष्य में 7 से 7.8 के बीच काम किया पीएच में मनुष्य ने, ऐसे ही अलग अलग जानवर जो होते हैं वो 7 से मतलब अलग अलग पीएच में ही काम करते हैं। एक सेकंड भाई, तो अलग अलग जानवर अलग अलग पीएच में ही काम करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था जो मिट्टी की पीएच होती है, मिट्टी की पीएच निकालने का तरीका क्या है, 2 ग्राम मिट्टी लोगे, उसको पानी में डालोगे, पानी में अच्छे से घोल के और उसको फिल्टर कर लेंगे हम। फिल्टर करके जो बचेगा उसमें सार्वत्रिक सूचक के 2 बूंदे डालेंगे और उसका जो कलर आएगा उसको कलर चार्ट से मैच कर लेंगे, और जिससे वो मैच करेगा वही उसकी पीएच आ जाएगी। ठीक है भाई, अब मिट्टी का हमें ये पता चल गया कि मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है। अगर मिट्टी अम्लीय निकले, जैसे हमने मिट्टी की पीएच का पता लगाया और मिट्टी अम्लीय निकले, तो हम उसमें क्या डालेंगे, कोई क्षारीय पदार्थ, तो हम उसमें CaO डाल देंगे, इसको बोलते हैं चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं, ये भी तो क्षारीय होता है। ठीक है, तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगर मिट्टी क्षारीय निकले, मान लो हमने मिट्टी की पीएच को जांच लिया, पता कर लिया और मिट्टी निकली क्षारीय, तो हम उसको कैसे ठीक करें, तो हम उसमें कंपोस्ट डालेंगे, मतलब घर से बनी हुई जो खाद होती है, गोबर की खाद होती है, हम उसका प्रयोग करेंगे उसको ठीक करने के लिए। ठीक है भाई, उसके बाद जानवरों की बात करें तो मनुष्य के कितना प्रास हो गए भाई, 7 से 7.8, इसी के बीच में काम करते हैं। मनुष्य की जो शरीर होता है उसमें कम से कम 7 पीएच है और
अधिक से अधिक 7.8 पीएच है। वैसे तो मैंने भी बताया था 1.4 पीएच होती है हमारे आमाशय की, ये एक्सेप्शन है, वैसे ज्यादातर होती है 7 से 7.8, रक्त की पीएच होती है 7.4, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, पेपर में आ चुका है। अब जब वर्षा होती है, बारिश जब होती है, तो बारिश के समय वातावरण में बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, जब वे ऑक्साइड पानी के साथ मिलते हैं तो पानी में बन जाता है अम्ल, और अगर अम्ल इतना बन जाए कि उस पानी की पीएच 5.6 से कम हो गई, या तो 5.6 हो गई या 5.6 से कम हो गई, तो हम उसको बोल देंगे अम्लीय वर्षा, कि अम्लीय वर्षा हो रही है। मैंने क्या बताया कि जैसे ऊपर से जब बारिश होगी, मैं बता चुका हूँ पहले, ऊपर से बारिश होगी तो वायुमंडल में जो गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो पानी के साथ मिलकर अम्ल का निर्माण करेंगी। अब अम्ल बन जाएगा तो उस पानी की पीएच तो कम हो जाएगी, अगर पीएच 5.6 या इससे कम हो जाए तो हम ये कहेंगे कि अम्लीय वर्षा हो रही है। उस अम्लीय वर्षा के बहुत सारे नुकसान हैं। अम्लीय वर्षा जब संगमरमर से बनी हुई किसी चीज पे गिरती है तो उसका संक्षारण कर देती है, क्योंकि जो अम्ल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? वो उसके साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी लवण और जल प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो एक क्षारक होता है, तो अम्ल उसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। मतलब क्या होगा, जो संगमरमर से बनी हुई चीजें हैं या कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर एक ही बात है, जब अम्ल उसके ऊपर गिरेगा तो संगमरमर टूटना शुरू कर देगा। ताजमहल को अम्लीय वर्षा के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि ताजमहल आगरा में है और मथुरा में एक रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी से बहुत सारे सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं और उन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है जो ताजमहल के ऊपर गिरती है और ताजमहल की चमक फीकी पड़ती जा रही है। दूसरा, जब यह अम्लीय जल नीचे गिरेगा, बहुत सारा पानी इकट्ठा होगा, तो धीरे धीरे ये नदियों और तालाबों में पहुंचेगा और उस तालाब के पानी की पीएच भी कम हो जाएगी, मतलब वो पानी जो है अम्लीय हो जाएगा। और सभी जानवरों की पीएच की एक रेंज है। अब पानी अगर ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो अधिक अम्लता के कारण मर जाते हैं। कई बार आपने फोटो में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा कि समुद्र किनारे या किसी झील के किनारे बहुत सारी मछलियां मरी हुई मिलती है। उनका कारण क्या है? उनका कारण यही है कि अम्लीय वर्षा के कारण बहुत ज़्यादा पानी जो अम्लीय हो गया और वो पानी झील में जाके मिल गया, तो उस झील की अम्लता बढ़ जाएगी और उस अम्लता में मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती, ठीक है, और मर जाती हैं। तो उस कई बार हम देखते हैं कि हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से झील में अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जाता है, CaCO3 का छिड़काव किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह होता है क्षारीय, ठीक है भाई, ये हो गया बात। ओ, जंतुओं तथा पादपों में रसायन द्वारा आत्मरक्षा। बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जो अम्ल छोड़ते हैं, डंक मारेंगे तो अम्ल छोड़ते हैं, जैसे मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, पेपर में आ चुका है, कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल होता है। जब वो डंक मारेगी तो उससे इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, तो अम्ल अगर छोड़ेगी तो उसकी रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम कोई सारक का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम बेकिंग सोडा, जब मीठा सोडा होता है घरों में, हम वो लगा सकते हैं। हम देखा भी होगा आपने, जब भी मधुमक्खी काटती है हम भागते क्या करेंगे, लोहा रगड़ते हैं, कि लोहा रगड़ो ठीक हो जाएगी। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि पढ़ा चुका हूँ मैं, धातु ऑक्साइड सारी प्रवृत्ति के होते हैं। जब लोहा रगड़ते हैं तो लोहे के ऊपर धातु उसके ऑक्साइड की परत जम जाती है और वो होता है सारी है। तो अम्ल अंदर जाएगा और हमने लोहा रगड़ लिया तो वो उसमें थोड़ा आराम देगा, क्योंकि उसके ऊपर लोहे की परत, लोहे ऑक्साइड की परत जम जाएगी जो सारी प्रवृत्ति की होगी, ठीक है। तो दूसरा, चींटी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल होता है जिससे इरिटेशन और दर्द होता है। वाष्प, वाष्प का मतलब जो पीले पीले से रंग की बेड होती है ना, एक होती है मधुमक्खी, एक होती है भिरड़, पीले पीले से रंग की होती है या लाल से रंग की, जिसको ततैया बोलते हैं, वो अम्ल नहीं छोड़ता, जब वो काटेगा तो वो सारक छोड़ता है। तो जब अगर ततैया काट ले तो हमने बेकिंग सोडा नहीं लगाना और ना ही लोहा रगड़ना। क्यों?
क्योंकि वो पहले ही सारक छोड़ रही है और ऊपर से फिर हमने सारक लगा लिया तो उसमें उसको आराम नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं उस समय, हम अचार लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अचार होता है अम्लीय, या सिरका लगा सकते हैं तो वो उसको आराम देगा। ये बात याद रखना, जो मधुमक्खी होती है वो अम्ल छोड़ती है और जो ततैया होता है वो सारक छोड़ता है जिसे इरिटेशन होती है, ठीक है भाई। उसके बाद जो नेटल का पौधा होता है, जब हम कहीं पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे एक पौधा होता है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद से रंग के धागे से होते हैं, उसमें आगे सुइयां से होती है। जैसे हमारा हाथ किसी तरीके से उसको छू जाएगा तो वो मिथेनोइक अम्ल हमारी स्किन में छोड़ देगा, जिससे इरिटेशन होती है, खुजली होती है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अम्ल अंदर चला जाता है। लेकिन इसके इससे हमें रिलीफ दिलाने के लिए उसके साथ ही जहाँ नेटल का पौधा मिलता है उसके पास ही एक दूसरा पौधा भी मिलता है जिसको बोलते हैं डाक का पौधा। तो उस डाक के पौधे के पत्ते तोड़ के अगर हम रगड़ लें तो हमें आराम मिलता है। इसका मतलब क्या है? डाक का पौधा कैसा होगा? डाक के पौधे में कोई ना कोई सारीय विलयन रहा होगा, तभी तो उसने अम्लीय विलयन से आराम दिलाया है, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई दैनिक जीवन में हमारे पीएच का क्या महत्व है। ये जितनी चीजें मैंने बताई है, नेटल का पौधा क्या छोड़ता है और मधुमक्खी मिथेनोइक अम्ल छोड़ेगी, चींटी भी, और ये जो ततैया होता है ये सारक छोड़ता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसकी पीएच 5.6 या 5.6 से कम होती है, दंतक्ष में पीएच कितनी होती है 5.5 से कम होती है, ये पेपर में आते हैं, इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।